वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज के ऑनलाइन स्टडी में हम स्टेप अप चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो होता क्या है, उसके सर्किट डायग्राम कैसे होते हैं, वर्किंग प्लस वेव फॉर्म। तो अब चलते हैं, बात करेंगे स्टेप अप चॉपर के बारे में। स्टेप अप चॉपर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है या ज़्यादा होता है, यानी कि ये एक ऐसा चॉपर होता है जिसमें हमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलता है या तो इक्वल मिलेगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा वो हम वर्किंग से समझेंगे, उससे पहले हम सर्किट डायग्राम देखेंगे। ये देखिए स्टेप अप चॉपर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें कि हमने एक सोर्स वोल्टेज लगाया हुआ है जो कि डीसी है। यहाँ पे इंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, और ये चॉपर है जो कि स्विच है और एक डॉटेड बॉक्स में बंद है। यहाँ पे सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, उसके बाद उसके सीरीज़ में लोड कनेक्ट है, लोड के अक्रॉस ही हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से चॉपर आपका वर्क करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि चॉपर जो होता है वो दो मोड में वर्क करता है, मोड वन मोड टू। मोड वन का मतलब ये होता है कि व्हेन चॉपर इज़ ऑन, जब हम लोग चॉपर को ऑन करते हैं तब किस तरीके से इसमें करंट फ्लो होती है, ठीक है ना। और दूसरा मोड पढ़ेंगे व्हेन चॉपर इज़ ऑफ, जब हम लोग चॉपर को क्या करते हैं ऑफ कर देते हैं तब कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोड वन के बारे में, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे चॉपर को ऑन कर देंगे। ये देखिए यहाँ से चॉपर को ऑन करने के लिए हम लोग ये स्विच को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इससे इसको कनेक्ट कर देंगे तो चॉपर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये ऑन हो जाता है। तो उस समय करंट जो होती है, करंट ये इस तरीके से फ्लो करती है। देखिए यहाँ पे मैंने सर्किट भी बनाया हुआ है कि जब मोड वन के केस में कि जब चॉपर को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है, स्विच को ऑन कर दिया है, मतलब कि इससे कांटेक्ट में ला दिया। तो उस समय देखिए दो लूप बनेगा, एक लूप ये बनेगा और दूसरा लूप इसमें। तो करंट इसमें तो फ्लो करेगी, फर्स्ट लूप में फ्लो करेगी, बट सेकंड लूप में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यानी कि लोड के अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं प्राप्त होता है। अब उस समय देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट यहाँ से फ्लो होते होते आई एस करंट इस तरीके से, अब ये इंडक्टर क्या होगा, इस करंट के कारण एनर्जाइज होगा, ठीक है ना। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो वी एल, इंडक्टर के वोल्टेज जिसको वी एल से हमने डिनोट किया, और इस तरीके से करंट ऐसे फ्लो करेगी और इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, ठीक है ना। आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलता है, ठीक है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज वी एस के बराबर होगा, यानी कि इसमें जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिलेगी ना वो वी एस के बराबर मिलती है, ठीक है। इसको हम लोग वेव फॉर्म से देखेंगे। देखिए इसका मैंने एक वेव फॉर्म ड्रॉ करा हुआ है, ये आई एस सोर्स करंट है ना। यहाँ पे मैंने दो डॉटेड लाइन खींची हुई है, यहाँ पे भी मैंने दो डॉटेड लाइन वर्टिकली खींचा हुआ है। अब दूसरा हमने वेव बनाया हुआ, दूसरा हमने लिया हुआ वी नॉट और उसके बाद आई नॉट, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। यहाँ पे आई वन आई टू कौन सी करंट को शो कर रहा है, मतलब कि ये तब के केस में हो रहा है जब हमने चॉपर को ऑन किया था तो इंडक्टर के अक्रॉस कैसे करंट फ्लो हो रही थी, फिर हमने जब चॉपर को, जब हम मोड टू में चॉपर को ऑफ करेंगे तब कैसे इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने इनिशियल करंट आई वन माना हुआ है, तो आई वन के बाद देखिए जब हम लोग इसको ऑन करते हैं तो करंट इंडक्टर के थ्रू एक्सपोनेंशियल, पहले तो शुरू में तो धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी, फिर इंक्रीज़ करते 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 बहुत तेज़ी से, यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ करते 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 इस पॉइंट पे आके एक पीक पॉइंट पे आकर के मैक्सिमम हो जाती है करंट, है ना। लेकिन आप लोग को पता है कि इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। ये जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, इंक्रीज़ होने लगता है, तो इंडक्टर उसका अपोज भी करता है ना, अपोज करेगा, यानी कि उसको बढ़ने से रोकेगा, कि इंक्रीज़ होने से उसको क्या करेगा, रोकता है, अपोज करता है कि वो इंक्रीज़ ना हो पाए। अब ये चीज़ें बाद में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग टर्न ऑफ कर देंगे तब क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आई टू पे जाके इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो मैक्सिमम तो हो गई बट ज़ीरो नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी उसके बाद भी इंडक्टर क्या करता है, हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग टर्न ऑन टाइम कहते हैं। और इस समय चूंकि इस लूप में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज हमें ज़ीरो प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब आई नॉट, अब इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा तो आई नॉट यानी कि लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो ज़ीरो मिलेगी। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे करंट ज़ीरो प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग जाएंगे मोड टू में। मोड टू में हम लोग क्या करते हैं, इस चॉपर को, यानी ये वाला जो चॉपर है ना, इसको हम लोग
ओपन कर देंगे। ओपन का मतलब कि यहाँ से इसको कॉन्टैक्ट को हटा देंगे, इसको इस फिगर से मैंने दिखाया हुआ, देखिए यहाँ पे मोड टू में हमने क्या कर दिया, चॉपर को ओपन कर दिया है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ओपन सर्किट, इसमें कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो उस समय होता क्या है कि उस समय जो करंट है ना, ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल ओपन हो गया। तो करंट जब हम लोग चॉपर को ओपन कर दिए और यहाँ से हम लोग वोल्टेज तो दे ही रहे, तो करंट यूँ इस तरीके से फ्लो होगी, पूरा इसमें नहीं फ्लो होगी, यहाँ से नहीं फ्लो होगी, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है। इंडक्टर होते हुए, डायोड होते हुए, लोड के थ्रू इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करती है। और इसी समय एक चीज़, एक घटना और भी होती है कि इंडक्टर में पहले पोलैरिटी आपने देखा था, यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, लेकिन उसमें एनर्जी स्टोर होने के कारण, चूँकि करंट मैक्सिमम पूरी ज़ीरो नहीं हो रही थी, तो वो अपोज करने के कारण अब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि एनर्जी भी वो स्टोर किया तो अभी एनर्जी भी तो रिलीज़ करेगा। पहले तो भाई सोर्स वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो यहाँ पूरा लोड को होते फ्लो कर रही है, लेकिन उस समय एनर्जी भी ये रिलीज़, यानी कि ये जो इंडक्टर अपनी एनर्जी रिलीज़ कैसे करेगा, इस पाथ के थ्रू ही एनर्जी अपना रिलीज़ करेगा, है ना, उसी पाथ के थ्रू। तो जब एनर्जी रिलीज़ करेगा थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपका क्या है चॉपर ऑफ है, तो वो एनर्जी रिलीज किया तो करंट अब क्या करेगी, मैक्सिमम से डिक्रीज होकर के यहाँ तक आ जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी, यहाँ पे आकर के करंट आपकी क्या हो गई, बिल्कुल लो हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये तो था इंडक्टर के थ्रू कैसे उसने, यहाँ ये पोर्शन दिखाता है कि इंडक्टर के थ्रू कैसे उसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि आउटपुट करंट कैसे फ्लो हो रही है। भाई इसके कारण भी तो करंट फ्लो हो रही है ना, जब इसको हमने क्या कर दिया ओपन सर्किट की तरह, तो आउटपुट करंट लोड के थ्रू होते हुए पूरी फ्लो करेगी। तो जो आउटपुट में करंट फ्लो हो रही है उसका मैंने देखिए यहाँ से दिखाया है, ये आउटपुट के थ्रू करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, ये उसका वेव शेप है ना आउटपुट करंट का। और हमें आउटपुट में वोल्टेज, लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट में वोल्टेज भी प्राप्त होती है, जो कि टर्न ऑफ के टाइम में ही होगी, जब अपने चॉपर को क्या किया, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज मिल रही है ना, ये आउटपुट वोल्टेज का शेप है। ये कब का है, जब हमने चॉपर को क्या किया, मोड टू में टर्न ऑफ की, मतलब कि उसको क्या करा हुआ है, ऑफ किया हुआ है, मतलब स्विच को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तब के केस की बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि अब इसमें यही चीज़ है कि जब हमने टर्न चॉपर को टर्न ऑफ किया, तभी हमें आउटपुट में करंट भी मिल रही है और आउटपुट में वोल्टेज भी प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ लिखा है कि अब इंडक्टर पोलैरिटी बदल देगा, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। लोड करंट सोर्स करंट के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो लोड करंट है ना ये वाला, वो सोर्स करंट के बराबर हो जाता है, यानी कि IS जो है यहाँ पे उसके बराबर हो जाता है। लोड करंट में वही करंट मिलेगी जो सोर्स करंट के थ्रू फ्लो होती है। अब देखिए उसके बाद इसमें होता क्या है कि इस समय जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो इंक्रीज स्टेप अप करके मिलती है। अब कैसे स्टेप अप करके मिलती है, सोर्स वोल्टेज प्लस इंडक्टर में भी तो कुछ वोल्टेज स्टोर है, इंडक्टर में भी तो वोल्टेज है ना, तो वो इंडक्टर में वोल्टेज क्या हो जाएगी, VL हो जाएगी। तभी हमने देखी यहाँ पे पोलैरिटी है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, VL, यानी कि अब हमें जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी वो VS प्लस VL कुछ ना कुछ इंक्रीज होकर के मिलती है। यही रीज़न है कि इसको स्टेप अप चॉपर कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू।